जनपद सीतापुर में थाना इमलिया सुल्तानपुर नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। सीतापुर जिले में एक किशोरी से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाके के ही 5 लोगों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया। यही नहीं, मामले की जानकारी किसी को भी देने पर इस वीडियो को वायरल कर देने की धमकी दी। हम आपको बता दें, यह घटना सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ के एक ही गांव के रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। 7 सितंबर की शाम पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ बाजार गई थी। पीड़िता का कहना है कि उसी के दौरान वहां इलाके के 2 लोग आ गए और उसे दबोचकर गन्ने के खेत में खींच ले गए। यहां 3 अन्य लोग वैसे ही मौजूद थे। पीड़िता के मुताबिक इन सभी ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर के निर्देश पर पुलिस ने मामले में तहरीर लेकर केस दर्ज किया है। तलाश के लिए 7 टीमों का गठन। एसपी आरपी सिंह का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर 2 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंग रेप और SC/ST एक्ट की संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहाँ पर 2 लोग पकड़ के ले गए, 3 लोग मारा है, 5 लोग मौजूद रहे। मैं गलत काम करें और गलत काम करके फिर बाद में यहाँ हमका मारे के यहाँ धमकी कर जो कहीं तुम अपने माता पिता से नहीं बताइए तो हमका तुमका जान से नहीं मरवा दी। हमारा छोटा भाई रहा, पापा हमारे जेल में है, बंदे माता मेरी है ना, जो कहीं तुम बताइए हो तो तुम्हें मार के लटका दी बात तुमको। तुम्हें पापा कहीं है बाद में कोई तुम्हें घर है तो है ना मार के। अब शिबू और नाजू हाजीपुर के रहने वाले हैं 5 लोग। दिनांक 14/9/2020 को थाना इमलिया सुल्तानपुर पर एक पीड़िता जो इसी क्षेत्र के रहने वाली इस आशय की तहरीर लेकर के उपस्थित हुई कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कृत किया है। यह दुष्कृत की घटना उसके द्वारा बताई गई कि 7/2020 की है। इस संबंध में तत्काल समुचित धाराओं में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल SP नॉर्थ के नेतृत्व में 7 टीमें लगाई गई हैं। उन सभी को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़िता के से बातचीत करने और अन्य तरह से जानकारी करने पर ये बात प्रकाश में आई है कि इसमें से एक कौशल नाम का लड़का जो जिसके संपर्क में अभियुक्ता काफ़ी पहले से थी, वही इसको मोटरसाइकिल से लेकर घटनास्थल पर आया था। इस संबंध में और भी जानकारी की जा रही है। समस्त साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध सुनिश्चित की जा रही है। मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ। निकट पर्यवेक्षण में सारी कार्रवाई अतिशीघ्र संपूर्ण की जाएगी। पीड़िता को आर्थिक सहायता के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही, अतिशीघ्र इसको देय आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।